अभी आप देख रहे हैं ये जो आपके सामने मंच पर कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, खेल सत्यवादी महाराजा हरिचंद। इस खेल का आपने अभी आपने तीसरा भाग देखा। यहां तक आपने देखा राजा हरिचंद विश्वामित्र को दान दक्षिणा में सब कुछ दे देते हैं, अपना धन, अपना राजपाट की चाबी, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश दे देते हैं। लेकिन इसके बाद आप आगे देखिए काशी का हाल। अब ये लोग बिकने के लिए जाएंगे, काशी पहुंचेंगे, काशीपुरी में इनको क्या मिलता है, किनके हाथ इनका सौदा होता है, किनके हाथ ये बेचे जाते हैं, आगे क्या होता है वो आपको चौथे भाग में दिखाया जाएगा। राजन तीसरा भाग हरिचंद का तीसरा भाग चालू हो रहा है। हाँ भैया, जो घर जाना चाहता है वो कृपया करके आराम से उतरे और आराम से अपने घर जाए, कोई शोर गुल नहीं बचाएगा, आराम से जाए जिसको भी जाना है, और जिसको खेल देखना है वो आराम से बैठकर खेल का फुल आनंद उठाए। चलिए महाराज के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। कहिए क्या महाराज, हमने अयोध्या वासियों को प्रणाम भी कर लिया है महाराज, अब चलिए चलिए। और भजमन राम राम सिया भजमन राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राजन, मैं देख रहा हूं कि तुम लोग चल नहीं पा रहे हो, इस दम कैसी पड़ रही बड़े जोर की घाम, कछुक देर या पिटप दर करो भूप आराम। नहीं नहीं महाराज, कुछ आराम, हम करना आराम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी अगर आपको पूजा भजन करना है, पूजा तो हम कुछ देर के लिए बहुत कम समय में कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि कुछ आपको राहत मिल जाए, कुछ चैन की सांस ले लें, कुछ बैठ लें, कुछ रेस्ट कर लें, इसके बाद चलें। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि राजन थक गए हो और आने भी थक गई, कुंवर भी थक गया है। लो राजन, इस कमंडल में कुछ जल है, जल पी लो तो कुछ तसल्ली, आपको शांति मिलेगी। क्या कहा महाराज, जल पी ले। धरुधर चूर्ण और करू भी नदी ना कहे आप मुझसे है जल पान की। जल्द काशी चलो, जल्द काशी चलो और मुझे भारी फिकर आ केदार की। और पानी पी के बिटावे न मर्याद हम कुल सुकृत पूर्ण सत धर्म ईमान की। दे चुका कर्ज तभी करें अन्न जल और हो बे ढेरी विलासक चाहे प्राण की। महाराज मुझे जल नहीं पीना। आपको जल नहीं पीना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तारा लो, इस कमंडल में कुछ जल है, आपके पति ने पानी पी लिया, थोड़ा सा आप भी पी लीजिए और उसके बाद चलते हैं। थोड़ी देर रुकिए महाराज, थोड़ी धूप कम हो जाए, इसके बाद चलते हैं। रुकिए महाराज, महाराज
महाराज। महाराज आपने जल पी लिया? नहीं नहीं महारानी, मैंने जल नहीं पिया। अब नगी जानिए सब दीवाना चाहे, मानो मानो न दुज की हजारी बलम, पानी पीबे न हम मरना मंजूर है, पानी पीबेंगे इनकी अदा करिए। जो मुसीबत पड़ेगी उठाएंगे हम, और इनके कहने पे जो आप आओ पिया ना रहे सत्य हरगी तुम्हारी कसम। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज ठीक है, कोई बात नहीं, मत पियो पानी, कोई बात नहीं, क्या करूं, दोनों ने मना कर दिया। अब ये पुत्र रोजदास तो नादान बालक है, बच्चा है, ये तो जरूर पानी पी लेगा। अगर इसने पानी पी लिया तो इसका धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। ओम शिव। बेटा इधर आओ। पुत्र रोजदास कहो गुरुजी। थक गए हो ना? हाँ आओ, थके नजर आ रहे। लो आपके माता पिता ने पानी पी लिया, थोड़ा सा आप भी पानी पी ले। माँ पिता ने पी लिया पानी? और क्या, आप ही पी लो, फिर चलते हैं, फिर चलते हैं। बड़ी बात अच्छी बात है, आप ठहरो ठहरो, पी लो। अरे इतनी जल्दी क्या है, पी लो बेटा जल्दी पी लो। पी लेंगे, लेकिन आप ठहरो जरा, मैं आ रहा हूँ। माँ अरे तुमने पानी पिया है? नहीं बेटा, ना हमने पिया ना आपके पिताजी ने पिया। ये भी कोशिश मेरी बेकार जाने वाली है। कल्पज महाराज हे रखो पादटि से बस महाराज। बहुत ज्यादा अकल चक्रवर्ती की कुल संतुलन को छुटा, अब छुटाते हो सत्ता सा करते हो चल। क्या जल्द कहां से चलो, जल्द कहां से चलो, बेचने की हमारी लगाओ मिसल, चक्रवर्ती की कुल संतलतों को छुटा, अब छुटाते हो सत्ता सा करते हो चल। महाराज बच्चे तूने मेरा कमांडर क्यों फेंक दिया? अगर तुझे पानी नहीं पीना तो मत पी। तुम झूठ क्या बोले बकूफ। महाराज क्या यही राजा लग गए? आपने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए हैं? मेरा नहीं नहीं महाराज, संत का तो है। फिर क्या क्या मतलब हुआ इसका? महाराज ये क्षत्रिय बालक है, कोई बात समझ में नहीं आई और इसने आपका कमंडल तोड़ दिया। और अगर मैंने श्राप दे दिया फिर क्या होगा? मैं आपसे इसके लिए क्षमा मांगता हूँ महाराज। ये बच्चा है। चलिए महाराज, बच्चा है ये बच्चा है। चलिए महाराज, चलो चलो तेजी से चलिएगा। समझ गया मैं, आप लोग बिल्कुल नहीं चल पा रहे। अब मैं अपनी युक्ति के द्वारा आप लोगों को काशी जल्द से जल्द भेज दूंगा। तीनों लोग लाइन से खड़े हो जाएं और आंखें अपनी अपनी बंद कर लें। आकाश मार्ग से चलेंगे और हम काशी विश्वनाथ का जयकारा लगाएंगे, तभी आंख खोलना। आंख बंद कर लो। अब बच्चे तू भी आंख बंद कर, एक आंख से देख रहा, आंख बंद कर ले। आकाश मार्ग से चलाएंगे, इतनी तेज हवा लगेगी आंखें फूट जाएंगी, इसलिए समझा रहे ठीक है।
बोलिए शंकर भगवान की। राजन बाबा महाराज धन है आप और धन है आपकी योग माया, आपने तो पलक झपकते ही काशीपुरी पहुंचा दिया। इस सामने बाबा विश्वनाथ जी का ही मंदिर दिखाई दे रहा है, यही मंदिर है। इनको प्रणाम करिए, फिर आगे की कार्रवाई करें। महाराज प्रणाम तो हम करें, लेकिन इनके तो पट बंद हैं, पट खुलवाओ हम प्रणाम कर लें। मैं तो जब भी आता हूँ यहाँ पट ही बंद मिलते, अब ऐसे ही दर्शन कर लो, उनका अर्चन मंडन कर लो। जब तक पट नहीं खुलेंगे हम दर्शन नहीं करेंगे। प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा। मैं ही कोशिश करूं। हर पुजारी मंदिर के पट खो, पुजारी मंदिर के पट खो, शिवम सुंदरम। महाराज दर्शन करो। प्रेम से एक बार जयकारा लगाए, बोलो शंकर भगवान की। महाराज क्या बात है, ये सब लोग भूखे बैठे हैं क्या? इनके मुंह से तो जयकारा भी नहीं निकल रहा है, क्या बात है? आज ये सुस्ती कैसी है? बोलो बोलो भाई, बोलो शंकर भगवान की। महाराज आपके जयकारा लगवाने से ये जयकारा नहीं लगा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, कई दिनों से खाना नहीं मिला इन लोगों को क्या? चलो महाराज हम देखते हैं, सभी बैठे हुए महान भाव, नौजवान बुजुर्ग बच्चे, सभी से हमारा निवेदन है कि काशी विश्वनाथ जी का जयकारा लगवाएंगे। आप लोग हमारे साथ साथ पूरी ताकत से काशी विश्वनाथ जी का जयकारा लगाएं, महान कृपा होगी। बोलो काशी विश्वनाथ की। अब क्या हो गया? अच्छा, इन्होंने आपसे अर्जी विनय किया है इसलिए जयकारा लगा दिया। एहसान कर रहे हो तुम लोग, भगवान का जयकारा लगाने में कंजूसी करते हो, हाँ?
महाराज बैठे रहो, तुम लोगों का हिसाब बाद में लूंगा। महाराज आपसे हमारा एक निवेदन है। बोलिए, कहिए। रानी और पुत्र से पहले मुझे बेच देना। अच्छा अच्छा महाराज, मेरी एक बिनती है। आपकी भी बिनती है? जी हाँ। आप भी कहिए। मेरे महाराज और पुत्र से पहले मेरा सौदा कीजिएगा। बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। बेटा तुम भी कुछ कहना चाहते हो? हाँ गुरुजी। बोलिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि पिताजी से और माँ से पहले मुझे बेचे आप। बहुत अच्छा, ऐसा करो तुम तीनों मिलकर मुझे भी बेच दो। क्यों, क्या हो गया तुम लोगों को? नहीं नहीं कुछ महाराज, कुछ समझ भी रहे? कुछ जिसका ग्राहक पहले आए आप उसे बेचो। ऐसा बोलो, जिसका ग्राहक पहले आएगा उसी का सौदा होगा। सुनो काशी के वासियो, हमारे पास तीन मनुष्य हैं, हम बेचने आए हैं, जिसे जरूरत हो खरीद ले जाए, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। तो कैसा हल्लो गुल्लो मचो है? एक राजा एक नारी है, एक बालक सुकुमार, ले खरीद होगा कोई जो ऐसा जरदार। आओ जल्दी जल्दी आओ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत गिरा हो तब तो देखो। बाबा
बाबा गोरु बाबा क्या वक्ते हो गोरु बाबा संत बोलो महात्मा बोलो काय गोरु बाबा ना हूँ क्या गोरु बाबा क्या होता गोरु बाबा नहीं मालूम पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं गुरु कहा कि नहीं कहा अरे गुरु गुरु कहो ना गुरु महाराज बोलो ये कहना चाहते हो गोरु बाबा गुरु बाबा ऐसा बोल गोरु क्या चीज हुआ सही नहीं बोलना जानता शुद्ध शब्द नहीं बोलता गोरु बाबा फिर वही गुरु बाबा बोल गुरु बाबा हाँ कैसो हल्लो गुल्लो मचो अरे हम तीन मनुष्य बेचने आए हैं क्या मनुष्य बेचने आए हैं तीन तीन मनुष्य किस देश में काल पड़ गो अकाल नहीं पड़ गया और हमारा उन पर लेन देन का हिसाब है लेन देन का हिसाब हाँ तो आप मनुष्य बेचे हैं बिल्कुल बेच रहे हैं बाबा हो महात्मा हो क्या दिखाई नहीं दे रहा नहीं नहीं बिल्कुल दिखाई दे रहा बिल्कुल दिखाई रहा कोई संदेह है तुझे ना 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 बहुत कोई संदेह नहीं है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सौदा दिखाओगे बिल्कुल दिखाएंगे दिखलाओ आ जाओ बेटा पुत्र रोहतास अरे राम 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 कहाँ से चुरा ले हमस चुरा ले आए अरे राम राम इनका सौदा कर रहे हो ये दूध पीने वाले बच्चे अभी इनके दूध के दांत नहीं गिरे और इनको बेचने आया तुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना मूर्खता की बात मत कर मुझसे समझा Ah!
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनाया आपने बाबा। अब ऐसा है, काम की बात कर लो, नहीं रास्ता ले लो यहाँ से। और मुझे गुस्सा आ गया तो खाम का मैं शराब दे दूंगा, तो बस हो जाएगा तू बाबा, तू जिंदगी से चला जाएगा। बहुत हल्के से ले रहे हैं आप, बहुत हल्के से, हल्के से ले रहे हैं मुझे। मेरा नाम सुनोगे ना तो चौंक जाओगे। क्या नाम है तेरा? चौंक जाओगे। अरे तो बताओ ना क्या नाम है तेरा। पहले मुझे सौदा दिखलाओ, फिर मैं बतला रहा हूँ। अच्छा, ये सौदा नहीं चाहिए। डर जाओ जाके। पुत्री तारा। अरे बाबा बस बस, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी स्त्री का मुंह देख करके बाकी मैंने आज तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा है। बहुत अच्छा किया बाबा, क्या बात है। आप ठीक है बाबा, अगर आपके पास कोई सौदा हमारे जैसा हो। ऐसा भी है, आओ मुझे दिखाओ। ये सौदा, हाँ ये सौदा हमारे लिए है, लेकिन मैं इसे नाप सकता हूँ दूर से। बिल्कुल, ठीक है ठीक है। पौना है, पौना है जी, तभी तो 20 बार सोना है इसका मूल्य। महाराज इनको नहीं मालूम है महाराज, कहिए कहिए, काशीपुरी का राजा हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो। मैं काशीपुरी का राजा हूँ, मेरा नाम कोने कोने में लोग जानते हैं। अभी इनको बाबा को नहीं मालूम कि ये कालू डोम की वो हस्ती है, काशीपुरी में सबसे अगर ऊंची बिल्डिंग कोई है तो वो है काशीपुरी में कालू डोम की मंजिल जो कोई देख लेता है। और ये बड़े हल्के से ले रहे हैं महाराज। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने खरीदार से कुछ बात कर लें। हाँ जरूर बात कर लो, तुम्हारा सौदा होने वाला है भाई। आप ये बताएं, मैं आपको खरीद लूं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पहले मेरी बात सुनो जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कालू डोम। कालू डोम जी, आपके यहाँ काम क्या होता है? हमारे यहाँ झाड़ू लगाना सारे नगर की, और उसके बाद जब झाड़ू से काम खत्म हो जाए तो हमारे स्नान के लिए गंगा जी से एक मटकी जल लाना है। दो हो गए काम, और तीसरा? तीसरा शमशान घाट पे जा करके जो मुर्दा दफनाने आए उसके से कर का टका लेके आना, ये काम है। मालिक आपने तीन काम बताए हैं, तीन काम तो हम करेंगे ही, लेकिन चौथा काम हम अपनी मर्जी से करेंगे। ये तो आपकी खुशी, ये आपकी मर्जी। मालिक और कालू मेरी बिगड़ गई तकदीर, आज एक दिन बाएं हाथ पे तो मेरे बैठे साथ बजी, और जमा फिर गई राम की तू ले ले काली।
बुजुर्ग राजा हरिश्चंद और कालू के काम में खुश तोड़ करके 51 रुपए इनाम दे रही पार्टी, हार्दिक स्वागत कर रही है। और गंग घाट रोजाना जाऊं, गंगा जी से घट भर लाऊं, और गंग घाट रोजाना जाऊं, गंगा जी से घट भर लाऊं। आज हुक्म न जानू आपका, तू ले ले कालू। और टका के बदले कफन ले आऊं, सारे शहर में झाड़ू लगाऊं। आज टका के बदले कफन ले आऊं, सारे शहर में झाड़ू लगाऊं। और मालिक चौथा काम, और टका के बदले कफन ले आऊं, सारे शहर में झाड़ू लगाऊं। अजी माला जादू तेरे दाग की, तू ले ले काली। मालिक आप मुझे जरूर खरीद लें, ताकि ये बात तबारीख हो जाए कि एक राजा ने एक मेहतर के घर पानी भरा था। बहुत अच्छी बात, जाइए, मैं आपको अभी अभी इसी वक्त खरीद रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। ओ गोरू बाबा, गोरू बाबा, बार बार चिल्लाता रहता गोरू बाबा, कहीं क्या बोला था सा? क्या कहना चाहता? दौड़ा दौड़ा दूर से आया हूं सुनहार, बतलाए इतने का मोल, इतने का क्या मोल है, बतलाए पत्ता। सीधा बोल, सीधा बतलाया तत्काल, गोरू जी क्या लोगे इस नर का, कमी नहीं कुछ धन की मेहतर। अच्छा, हाँ, मेहतर सबसे बेहतर। ठीक है, कहते रहो। नौकर मेरे आने, नौकर मेरे अनेक काम होवे, हुंदी परचेता तू अनमोल रतन का। कहो क्या किसका लोग, क्या करता है, कहो क्या इसका लोग,
ये तो हमने पहली बार सुना कि कालू उतना पैसे वाला हो गया। लाओ लाओ, हमें रुपया से मतलब नहीं है, 20 बार सोना चाहिए। 20,000 इसमें है भाई। भाई क्या बात है, 20,000 इसमें है। इसमें है हाँ। और अभी बयाना चाहिए आपको? जब पूरा पैसा दे रहा है तू तो बयाना की क्या जरूरत रह गई? पहले बयाना लो और नहीं तो हम दस्तखत करे दे रहे, पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया बाबा, ऑनलाइन हो गया, अब कोई पैसा नकद नहीं देता है, ठीक, ऑनलाइन आपके खाते में पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर आपको बयाना लेना है तो ये लो बयाना। दूर से बात कर बेवकूफ कहीं के, मेरे सर पर सुना रहा है, अपनी औकात भूल गया बाबा। अगर इसको ले लोगे, अगर मैंने तुझे शराब दे दिया तो भस्म हो जाएगा अभी अभी बाबा। बहुत लोगों को देखा है भस्म होते हुए और आपको देख लेंगे, लेकिन बाबा एक बात बताएं हम आपको, बताएं कहो तो कहते हैं। बोल बोल। इसको ले लो, क्या झाड़ू, कौन सा गांव है, चेकसारी, केसारी। चलिए ये गांव में इस मेले में अगर सुबह 4 बजे आप झाड़ू लगा दोगे, इतना बाबा आपको मिलेगा पैसा, इतना मिलेगा कि आप खा नहीं पाओगे। बेवकूफ कहीं के, मैं यहाँ झाड़ू लगाने आया हूँ, अपनी औकात भूल कर मुझसे बात कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी हाँ, समझ नहीं रहा मुझे, ऐसा वैसा बाबा समझ लिया मुझे। नहीं नहीं, अब डर गए, अब डर गए आपसे, वाकई में गोरू बाबा आप में शक्ति है। बेवकूफ कहीं का, है शक्ति। कैसे कैसे यहाँ पर बासिंदे हम ऐसा नहीं समझते थे आज तक, लेकिन आज ही मैंने जान पाया, कई बार यहाँ पर आया हूँ। जाओ, समय से आ जाना, तुम्हारा सोना हो गया। मुझको नौकर की दरकार, तुम ले मुझको नौकर की दरकार, मुझको नौकर की दरकार, लोग कंचन को तेरे भाग, मुझको नौकर की दरकार, लोग कंचन को तेरे भाग। चलिए अभी तो समार, मेरे घर घर घर, मेरे घर घर घर, मेरे घर। जाओ और 20 बार सोना लेके आओ, तुम्हारा सौदा पक्का है। घर नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? ये सौदा हमको मिलना चाहिए बाबा। हाँ पक्का, हाँ 20 बार सुनना लेके आओ, पैसा नहीं चाहिए हमको, कागज के नोट नहीं चाहिए, 20 बार सुनना चाहिए। ऑनलाइन नहीं, ये दौलत तू मुझे दिखा रहा है ये मेरे काम की नहीं है, 20 बार सुनना चाहिए। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया सभी लड़कियां शूद्र मंच पर आ जाए, सभी लड़कियां दोहरा शीतल, सभी लड़कियां शूद्र मंच पर आए, शूद्र मंच पर आए। अरे हरि नाम से दिल लगा करके देखे, हरी